लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। साहेब ये क्या कह रहे हैं, प्यार और मुझसे? साहब तो बड़े लोग हैं, यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे, फिर मैं अकेले रह जाऊंगी यहाँ पर, और मामा मामी को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। राधा का पूरा दिन बस यही सब सोच के बीत रहा था। फिर अगले दिन मामी से डांट सुनने के बाद राधा निकली जंगल में फूल तोड़ने। अगर आज भी साहेब जंगल में मिलने आ गए तो क्या करूंगी मैं? हे भगवान, बहुत डर लग रहा है। राधा जंगल पहुंचकर देखी, साहेब आसपास कहीं नहीं दिख रहे थे। राधा थोड़ी चैन की सांस ली और फूल तोड़ना शुरू कर दी। कुछ देर बाद, राधा क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? साहेब आप आज भी यहाँ पे आ गए, आप ये क्या प्यार व्यार बोले जा रहे हैं? हमारे गांव में कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर कोई गलती से भी किसी से प्यार कर लिया तो उसे उसी दिन गांव वाले मार डालेंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? गांव वालों को पता चलने से पहले मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा, मेरे घर पे। वहाँ पे ये सब बेकार के नियम नहीं है। फिर हम दोनों अपनी एक छोटी सी दुनिया बना के सुकून से रहेंगे। साहेब आप बड़े आदमी हैं, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती, आप चले जाइए। राधा के बार बार मना करने के बाद भी वो लड़का अपने प्यार का जिक्र करता रहा। आखिर में राधा परेशान होकर जितना भी फूल तोड़ी थी उतना लेकर घर वापस आ गई, और मामी की नजर टोकरी पे पड़ते ही, करमजली तुझे बस इतना ही फूल मिला था लाने के लिए, अब वो साहेब इसके लिए 500 रुपए कैसे देंगे? हाँ, मामी की बातें अनसुना करके राधा घर के काम में लग गई। फिर रोज की तरह टोकरी लेकर मंदिर निकली फूल बेचने। आदित्य मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम मेरे तरफ एक बार भी नहीं देखते, आखिर क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुमसे प्यार करने के लायक नहीं हूँ? बताओ आदित्य, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ रोज। किसी और से? किससे? कौन है वो? मेरे होते हुए तुम और किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। जिसके भी पीछे पड़े हो उससे फायदा उठाने के बाद पहचानोगे तक नहीं। मैं तुम जैसे रईस जादों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, तुम तो सब जानती हो, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर आदित्य के दिमाग में चल क्या रहा था ये किसी को पता नहीं था। उसके ग्रुप में पिकनिक मनाने आई हुई एक लड़की रोज, जो आदित्य से प्यार करने लगी थी, रात दिन हर जगह चोरी छुपे उसका पीछा कर रही थी। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल हैं, फूल ले लो। ये लो पैसे। नहीं चाहिए आपके पैसे साहेब, आप और किसी से फूल खरीद लीजिए। मैं तो तुमसे ही खरीदूंगा राधा। क्यों साहेब, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? मैं गरीब अनाथ अनपढ़ लड़की हूँ, अब तक बहुत दुख सह चुकी हूँ अपनी जिंदगी में, अब आपसे प्यार करके और ज्यादा जिल्लत नहीं सह पाऊंगी मैं। उस दिन राधा साहेब को फूल नहीं बेची और अपनी टोकरी उठा के सीधा घर वापस आ गई। एक भी फूल नहीं बेची? तुझे साफ साफ बोला था जब तक सारा फूल बिकना जाए तब तक घर वापस मत आना। आजकल तेरी नौटंकी बहुत बढ़ गई है, तुझे अब भी बताती हूँ मैं। राधा की मामी गुस्से से एक छड़ी उठाकर राधा को बहुत मारी। राधा जमीन पर पड़े रो रही थी, तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई दी। कोई है? हेलो, कोई है? हाँ बोलिए, कौन हो आप? राधा,
राधा कहाँ है? मुझे फूल बेचे बिना घर वापस चली आई। फूल चाहिए? अब भी देती हूँ, पहले पैसे दो। वो लड़का राधा के मामी को एक 500 रुपए का नोट दे दिया। अगर कुछ और चाहिए तो उसका भी बंदोबस्त कर दूंगी मैं, पर पैसे लगेंगे। राधा? राधा अंदर है, अभी उससे नहीं मिल सकते, पहले पैसे। राधा मामी और आदित्य के बीच हुई सारी बातें सुनी और मामी का गंदा इरादा भी उसे समझ आ गया। पर उस दिन आदित्य राधा के मामी को बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बहुत अच्छा है, अगर थोड़े से फूल के लिए रोज 500,000 दे रहा है तो फूल के बदले अगर राधा को ही बिठा दे तो बहुत पैसे मिलेंगे, हमारे जिंदगी भर के लिए पैसों की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ, इससे पालने के लिए मैं जितना खर्चा की हूँ उसका 100 गुना ज्यादा वसूल करूँगी। मामा मामी की बात सुनकर राधा को बहुत दुख हुआ, वो रोते रोते सो गई। और अगले दिन सुबह जंगल में राधा साहिब को ढूंढने लगी। मेरे मामा मामी के पास और कुछ दिनों तक रहूंगी तो वो मुझे पक्का बेच देंगे, इससे अच्छा है कि मैं साहिब के साथ शहर चली जाऊं, वो तो मुझसे प्यार भी करते हैं। आज राधा जंगल में काफी देर तक साहिब का इंतजार करने लगी, पर साहिब नहीं आए राधा से मिलने। दुखी होकर राधा मंदिर निकली, सोची वहां पर जरूर मिलेंगे, पर साहिब मंदिर भी नहीं आए। साहिब यहाँ पे भी नहीं है, क्या वो शहर चले गए? क्या अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? हे भगवान, साहिब से एक बार मिलवा दो, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। राधा के मामा मामी राधा से कुछ और ही काम करवाना चाहते थे। ये जानने के बाद से राधा बहुत डरी हुई सी रहती थी। अब तो साहेब भी नहीं थे उसके पास। 3 दिन बीत गए पर साहेब राधा को कहीं नहीं दिखे। फिर 4th दिन जब राधा फूल तोड़ने जंगल पहुंची, साहेब आप कहाँ थे? साहेब क्या हो गया था आपको? क्यों नहीं आ रहे थे मुझसे मिलने? राधा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ साहेब, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राधा के मुंह से ये सुनते ही साहेब राधा के करीब आ गए और उसके हाथ पकड़ लिए। राधा को पहली बार किसी लड़के ने छुआ और वो बहुत शर्मा गई। राधा, हम दोनों को खुलेआम बाहर मिलते हुए तुम्हारे गांव वाले देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए तुम रोज सूरज निकलने से पहले ही जंगल में आ जाओ, हम यहीं पर मिलेंगे, बातें करेंगे, अंधेरे में हमें कोई नहीं देख सकता। ठीक है साहेब, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह होने को 2 घंटे थे। राधा जल्दी जल्दी जंगल चली आई साहेब से मिलने, और साहेब राधा से पहले पहुंचकर वहां पे उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते ही बहुत खुश हो गए। राधा और साहेब के बीच आगे क्या होने वाला है? क्या रोज ये सब गांव वालों को बता देगी, या साहेब खुद राधा से फायदा उठाकर भाग जाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।